आप देखते तो बाजार एक बंदे को है, पूरी टीम होती है ना वही उसको उस मुकाम पे ले जाती है। मिसाल है कोई यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक पे जो अपना कंटेंट बना रहे हैं तो उसके पीछे भी पूरी एक टीम होती है। अब एक एक्टर को हर कोई जानता है, सही है, को बनाने में जो पीछे एक चल रही होती है, सही है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर से लेके आपके हेयर स्टाइलिस्ट से लेके डायरेक्शन के बंदे से लेके, बात नहीं है लेकिन एक मिसाल दे रहे हैं, रोटी वाली की मिसाल ले लें, रोटी वाली की मिसाल, एक बंदा जो रोटी सेक रहा होता है, एक बंदा जो है वो आटा गूंद रहा होता है, आटा गूंद रहा होता है, एक पेड़े बना रहा होता है, एक बंदा सारा काम करेगा, पेड़े भी बनाएगा, वो कर तो लेगा मगर एक घंटे में उन लोगों को सर्व कर रहा होगा। तो इसी तरह अगर चार लोग काम कर रहे हैं तो एक बंदे को 5 मिनट भी लगा देंगे। फैमिली की मिसाल ले लें, हस्बैंड का बेसिकली काम ये होता है कि वो बाहर जाता है, कमाता है, अर्न करता है। वाइफ का काम होता है, जो हाउस वाइफ्स होती है हमारी, वो क्या करती हैं, वो घर संभालती हैं। फिर जॉइंट फैमिली पे ज्यादा लोग होते हैं, सही है, उतना आपका काम बढ़ जाता है, मतलब मिल बांट के काम करना, लोग होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस होती है, अच्छी होती है। कैसे ऑफिस में लोग करते हैं कि हर काम के लिए एक अलग बंदा हायर हुआ होता है, अगर कोई चार काम दे दो तो वो कर तो लेगा मगर उस तरह की नहीं होगी अगर उसको आप एक काम दो। इसमें माहिर भी नहीं हो सकेगा, मतलब एक काम उसको दे दिया, उसको पता है यार मैंने यही काम करना है तो फटाफट निपटा देगा। ऐसे ही क्योंकि टीम के अंदर 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, फुटबॉल पे आ जाए या हॉकी पे आ जाए, और अगर एक से भी गलती हो जाती है तो फिर उसका खामियाजा जो है ना वो सबको भुगतना पड़ता है। खेलेंगे अच्छा, परफॉर्म करेंगे तो जीत भी सबकी होगी। ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो ऑन कैमरा आपको एज अ टीम नहीं नजर आ रहे, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती है, कोच होता है जो पूरा ट्रेन करता है आपको, टीम वर्क की है। पॉलिटिक्स की मिसाल ले लें, एग्जैक्टली पॉलिटिकल पार्टी की मिसाल, आप गवर्नमेंट की मिसाल ले लें, बिल्कुल बिल्कुल, बंदा तो एक काम नहीं कर सकता ना। प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है ना अपनी एडवाइजरीज रखी, टीम वर्क के बगैर तो काम नहीं हो सकता। आपकी अच्छी तभी होती है जब आपके पास अच्छी टीम हो। नुकसान के बारे में बात करें, इसके नुकसान तो लोग होते हैं, उतना ज्यादा उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और एट टाइम्स कभी कभी ऐसा नुकसान हो जाता है जो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अच्छी टीम सेलेक्ट करें, अच्छी टीम सेलेक्ट करें, काबिल लोग ऐसे सेलेक्ट करें, एक बंदे की गलती की वजह से पूरी टीम को सफर करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबका सलाम करें। वास्ता तो हंस क्यों रहे, मतलब वाइसलाम ऐसी हंसी आ रही थी, खुश होने का दिल चाह रहा था, तो हम हंस लिए। तो सबको सलाम करने होगा, तुम ये वाइसलाम क्यों करते हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? तो खैर ये लोग तो सब ठीक हैं। आज क्या टॉपिक है खुर्रम भाई? आज का हमारा टॉपिक लिंक करता है टीम वर्क से। अच्छा, कि टीम वर्क की जो इम्पोर्टेंस है, सही वो है, कितनी जरूरी है हमारी लाइफ्स में। टॉपिक का नाम बता दो ना, इन टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन आवर लाइफ। ठीक है, ये बात हो गई, हमारा ये टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन आवर लाइफ। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, मतलब किस बारे में हम बात करेंगे, क्या मामलात होते हैं, लोग किस तरीके से काम करते हैं, या लोग मिलजुल के जो काम करते हैं उसके क्या फायदे होते हैं, क्या मामलात? खुर्रम भाई सबसे पहले तो हम लोगों को समझाएं कि टीम वर्क होता क्या है। सही है, एक इंडिविजुअल में और एक टीम वर्क में क्या फर्क होता है। सही है, टीम वर्क बेसिकली होता है जो आप लोगों के साथ मिलकर करते हैं। क्या करते हैं? लोगों के साथ मिलकर जब आप काम करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं लोगों के साथ मिलकर, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। ठीक है, ठीक है। अब वो ऑफिसेस में भी होता है, वो घरों में भी होता है, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में हो सकता है। सही है, ठीक है, बिजनेस में तो ऑब्वियसली होता ही है, सही है, बंदा कोई भी नहीं कर सकता। सही है, तो मतलब उसकी इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी होती है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आप एक बिजनेसमैन को भी देखते हैं या कोई बिजनेस को भी देखते हैं आप, सही है, तो आप देखते तो बाजार एक बंदे को है, सही है, एक बंदा जो है इतना बड़ा बिजनेसमैन है, मगर उसके पीछे जो पूरी टीम होती है ना वही उसको उस मुकाम पे ले जाती है। वो अकेला तो उसका एक माइंड होता है, उसकी विजन होता है, सही है, मगर ऑब्वियसली जो उसकी मेहनत होती है, लोगों से मेहनत काम करवाना, पूरा एक टीम वर्क के साथ वो जाके उस मुकाम पे पहुंचता है। अब इस तरीके से मिसाल होगी ना, जैसे कि अगर एक मिसाल है कोई यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक पे जो अपना कंटेंट बना रहे हैं तो उसके पीछे भी पूरी एक टीम होती है। एक बंदे का काम नहीं होता कि जी वीडियोस बना ले और जो है ना वो डाल दे, तो इतना आसान नहीं होता। इसके पीछे भी पूरी टीम लगती है, सारा काम करती है, पहले रिकॉर्डिंग्स होती हैं, फिर सारी चीज़ें होती हैं, एडिट होती है, अपलोड होती है, फिर मार्केट होती है, तो इतना मतलब टाइम लगता है हर चीज़ को, और टीम वर्क होता है। ऐसे देखिए खुर्रम भाई, जैसे हम मिसाल लेते हैं एक्टर की, ठीक है, अब एक एक्टर को हर कोई जानता है, सही, ठीक है, कि ऑब्वियसली उसने एक्टिंग करी है, सब चीज़ें करी है, उसका नाम होता है, लोग जानते हैं, नहीं यार ये बहुत बड़ा एक्टर है, इसकी एक्टिंग अच्छी है। अब ऑब्वियसली वो एक्टर को बनाने में जो पीछे एक पूरा टीम चल रही होती है, सही है, आपके कॉस्ट्यूम डिजाइनर से लेके, आपके हेयर स्टाइलिस्ट से लेके, आपके डायरेक्शन के बंदे से लेके, आपके जो है आपके गाना भी गा रहा होता है, सिंगिंग सिंगर जो होता है, टीम होती है। वैसे कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं आपको, मतलब चले आप एक्टिंग को छोड़ दें, रोटी वाली की मिसाल ले लें, रोटी वाली की मिसाल, आप रोटी वाले की मिसाल ले लें, ठीक है, आप कहीं भी जाते हैं खरीद पे, आप जो रोटी वाला होता है, ठीक है, सही है। अब आप देखा होगा आपने कि तीन लोग जो है वो उसमें काम कर रहे होते हैं, एक बंदा जो रोटी सेक रहा होता है, एक बंदा जो है वो आटा गूंद रहा होता है, एक पेड़े बना रहा होता है,
समझ रहे हैं बात, मतलब थैली में डाल के जो है पैसे ले रहा होता है, तो वो एक बंदा नहीं कर रहा होता, वो मतलब बहुत सारे लोग कर, मतलब एक छोटे से रोटी वाले की कितनी छोटी दुकान होती है, बहुत छोटी सी होती है, उसमें भी कम से कम 3 से 4 लोग होते हैं, तो वो सारी चीजें मिलके जो उसका एक प्रोसेस फास्ट करने फिर आउटकम अच्छा आता है, फिर ऑब्वियसली एक फास्ट होता है अगर आप रोटी लेने जा रहे हो, ठीक है आप बोलो मुझे यार अब लाइन लगी हुई होती, रश लगा होता, अब एक बंदा सारा काम करेगा नहीं, पेड़े भी बनाएगा, वो कर तो लेगा मगर वो वही वाली बात है जो 10 बंदे खड़े होंगे ना वो आधे 1 घंटे में उन लोगों को सर्व कर रहा होगा, सही है, तो इसी तरह अगर 4 लोग काम कर रहे हैं तो 1 बंदे को 5 मिनट में लगा देंगे, ऐसे ही ना आप जाते हैं आपको 2 मिनट के अंदर रोटी मिल जाती है, सही है, ठीक है, ये हो गई रोटी वाली की बात, और कोई मिसाल दें आप फैमिली की मिसाल ले लें, फैमिली में क्या फैमिली में मिसाल ले हम हस्बैंड वाइफ बच्चों की, अरे हमने किस पे वीडियो की थी यार फैमिली पे, जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा आप जाके जरूर देखिएगा, तो ये चीज उसके अंदर लाया करती है, ये बता रहे हैं जरा सुने गौर से, देखें अब हस्बैंड वाइफ होते हैं बच्चे होते हैं, ठीक है, हस्बैंड का बेसिकली काम ये होता है कि वो बाहर जाता है कमाता है अर्न करता है, अब वाइफ का काम होता है जो हाउस वाइफ होती है हमारी वो क्या करती हैं, वो घर संभालती हैं, सही है, और फिर जॉइंट फैमिली पे आ जाओ, अगर जॉइंट फैमिली में आते हैं तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा आपके हाथ होते हैं मतलब जितने ज्यादा लोग होते हैं सही है, उतना आपका काम बढ़ जाता है, मतलब मिल बांट के काम कर लेते हैं, मतलब देखे ना अब 2 बंदों पे डिपेंडेंट नहीं, डिपेंड होकर अगर बंदा होता है तो ऐसी बात है उसका वर्कलोड बढ़ जाता है, 2 बंदे होते हैं या 3 बंदे होते हैं, ऑब्वियसली अब आप पूरे घर संभालना है, सही है, बाहर का भी सेटअप देखना है, सामान भी लाना है, सही है, ठीक है, तो उसमें वर्कलोड बढ़ जाता है, सही है, वर्कलोड बढ़ जाता है तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है जहाँ फोकस करना पड़ता है ऑब्वियसली आपका माइंड में चल रहा होता है ये चीज भी करनी है, अब जितने ज्यादा लोग होते हैं आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती है, और काम आसान हो जाता है, जैसे ऑफिस में लोग करते हैं कि हर काम के लिए एक अलग बंदा हायर हुआ होता है, सही है, अगर आप एक बंदे को 4 काम दे दो हाँ। तो वो कर तो लेगा मगर उसकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं होगी अगर उसको आप एक काम दो, वो टाइम पे भी नहीं कर सकेगा, वो हाँ। उस चीज में माहिर भी नहीं हो सकेगा, मतलब एक काम उसको दे दिया उसको पता है यार मैंने यही काम करना है तो वो फटाफट निपटा देगा, ऐसे ही है, और कंपनी के लिए भी आसानी है कि देखें अब एक बंदे को आप एक काम दे रहे हो तो आप उसे पूछताछ भी कर सकते हो, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है उस काम का, सही है, ठीक है, और ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस भी हो सकता है, काम एक बंदे को दोगे सही है, ऐसी बात है, आप उससे क्या क्या काम का पूछोगे, और वो उसके पास एक रीजन भी होगा कि आपने मुझे 4-4 काम दिए हुए हैं, आप मुझे सैलरी एक काम की दे रहे हो, मुझसे 4 काम करवा रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी करके दूं, सही है, तो मतलब ये एक सूटेबल चीज नहीं है, सही है, अब ये बात हो गई ऑफिस की, अब आ जाते हैं हम क्रिकेट के ऊपर, देखिए टीम होती है पूरी, जब क्रिकेट क्या स्पोर्ट्स पे आ जाए तो नहीं, स्पोर्ट्स कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जैसे जूडो कराटे वो स्पोर्ट्स में है लेकिन अकेला बंदा खेल रहा है लेकिन उसके पीछे भी टीम काम कर रही है, मैं ऑन फील्ड बात कर रहा हूँ, ऑन फील्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप एक क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो भाई क्रिकेट टीम के अंदर 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, अगर एक से भी गलती हो जाए, या फुटबॉल पे आ जाए या हॉकी पे आ जाए, और अगर एक से भी गलती हो जाती है तो फिर उसका खामियाजा जो है ना वो सबको भुगतना पड़ता है, सबको नुकसान होता है, और अगर वो अच्छा खेलेंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जीत भी सबकी होगी, ऐसे ही है। अब जैसे आप बात करें थे स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो ऑन कैमरा आपको एज अ टीम नहीं नजर आ रहे होते लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी चली होती है, हाँ, मतलब जैसे जूडो कराटे की बात हो गई, या अभी पाकिस्तान ने जो गोल्ड मेडल जीता है, पाकिस्तान ने जो गोल्ड मेडल जीता है किसमें जीता है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में, इसके साथ पूरी टीम थी, हमने जैसे हमने एक टॉपिक भी दिया था हमारे आपके पास वीडियो में, लिंक शो भी हो रहा होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कोच, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कोच, लिंक आपको पर शो हो रहा होगा, आपका जो कोच होता है जो पूरा ट्रेन करता है आपको, वो भी एक टीम वर्क ही है, हाँ वो भी एक टीम वर्क है बिल्कुल। चले आप सब थोड़े पॉलिटिक्स की मिसाल ले लें, एग्जैक्टली पॉलिटिकल पार्टी की मिसाल ले लें, आप गवर्नमेंट की मिसाल ले लें, बिल्कुल बिल्कुल, टीम वर्क के बगैर हर बंदा तो एक काम नहीं कर सकता ना, अगर प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट है वो सारे काम तो नहीं कर सकता, मिनिस्टर ने भी जो है ना अपनी एडवाइजरीज रखी हुई है कि भाई फला चीज पे मुझे ये एडवाइस करेगा, फला मामले पे मुझे ये एडवाइस करेगा, मैं जस्ट जो है ना इनसे पूछूंगा कि भाई आपने क्या किया, ऐसा ही होता है ना, एडवाइजर्स होते हैं, उसको मशवरा देते हैं, फिर वो एमएनएस होते हैं, फिर हर पूरे पाकिस्तान को आपको संभालना है, फिर मिनिस्ट्रीज को संभालना है, तो आ जाती है सूबे वाइज आ गई, ऐसे ही है, तो फिर वो सारी जो टीम होती है मिलके साथ ही काम करती है ना, सही है। चले आप उसको छोड़े, आप एक नॉर्मल अगर लोकल की बात करें, लोकल गवर्नमेंट की बात करें, हाँ। एक छोटे एरिया में अगर आपको यूनियन बना हुआ था वो भी टीम वर्क के बगैर तो काम नहीं हो बिल्कुल, सकता बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि परफॉर्मेंस आपकी अच्छी तभी होती है जब आपके पास अच्छी टीम हो, ठीक है। अब ये तो हो गए सर इसके फायदे, आप मुझे ये बताएं कि नुकसान क्या क्या हैं, कुछ नुकसान के बारे में बात करें। इसके नुकसान खरम भाई ये होता है कि जब नेगेटिव क्या चीज़ें हो सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, बेनिफिट्स क्या है, ये हो सकता है। देखिए खरम भाई, जितनी बड़ी टीम होती है, ठीक है, उसको संभालना उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है, उसमें से अगर आपके 2-3 बंदे एक बंदा भी खराब निकले, मिसाल होती है, सही है, बोलते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो यहाँ पे भी वो लाया करती है चीज, और आपने देखा भी होगा एक बंदा जो है अगर को? मछली से मुराद है, अच्छा, एक बंदा भी है, सही है, ठीक है, अगर बंदे को वो करप्ट निकला, ठीक है,
अगर कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी गवर्नमेंट की उसने कोई चीज जो है वो लीक कर दी, सही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर सबको भुगतना पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ता है, ऐसे बिजनेस में होता है, एक गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो खैर इस चीज का जो है ना असद भाई ने जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई इसके फायदे भी बहुत हैं और एट टाइम्स कभी कभी एक मतलब इसका ऐसा नुकसान हो जाता है जो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देता है। भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि देखें टीम वर्क में काम करें, सही है। कोई अगर आपको एक लंबे विजन पे काम करना है, ठीक है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आप अकेले तो नहीं कर सकते, और अच्छी टीम सेलेक्ट करें, अच्छी टीम सेलेक्ट करें, मतलब ऐसे लोग सेलेक्ट करें काबिल लोग, भरोसे वाले और काबिल लोग ऐसे सेलेक्ट करें। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार हमें भरोसे वाले लोग चाहिए और काबिल नहीं, काबिल फिर फायदा नहीं है। होता है ऐसे ऐसे लोग मतलब 25-25 साल से काम कर रहे हैं कंपनीज में मगर वही के वही है वो। मेन चीज क्या होती है, बॉसेस क्या कहते हैं, भाई भरोसे वाला बंदा है मगर भरोसे वाला बंदा है मगर वो कैपेबल नहीं है। लेकिन दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए भाई, भरोसे वाला भी और काबिल भी हो। तो इससे क्या होगा कि आप अगर कोई काम करेंगे तो उसके अंदर जो है ना कोई चीज से आप अगर लैग कर रहे होंगे तो वो जो है ना जो काबिल बंदा होगा वो उसको कवर कर लेगा, और ऐसा कोई खच्चा हो कि भाई कोई ऐसे मामला है, पैसों के मामला है, ऐसी चीजें हैं या कोई आपके घर का मामला है और अगर भरोसे वाला होगा ना तो फिर आपको उस चीज में फायदा दे देगा। तो टीम जो है ना अच्छी चुननी चाहिए और इससे जो है वो जिंदगी के अंदर बहुत सारे फायदे होते हैं। किसी भी चीज के अंदर आप ले लें तो फायदा तो होता है लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना नुकसान का खच्चा भी होता है, क्योंकि टीम के अंदर जो है ना वो एक बंदे की गलती की वजह से पूरी टीम को सफर करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल करके जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।